हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रोफेसरों पर झूठे मुकदमे पर FIR करने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा कॉलेज के आगे प्रदर्शन। महाविद्यालय अनुशासन समिति संयोजक प्रोफेसर उमेद सिंह गोदारा पर एक युवक युवती द्वारा दायर झूठे मुकदमे पर FIR करने की मांग को लेकर कॉलेज छात्रों द्वारा महाविद्यालय के आगे प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधि भूपेंद्र बैनीवाल ने बताया कि रविवार शाम 7 बजे महाविद्यालय परिसर में प्याओ के पास संदिग्ध अवस्था में शराब का सेवन करते हुए युवक युवती को संविदा कर्मी अचला राम ने देखा। इस पर उन्होंने अनुशासन समिति के अध्यक्ष उमेद सिंह गोदारा को दूरभाष पर सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल डॉक्टर गोदारा संकाय सदस्य डॉक्टर राजीव चौहान के साथ महाविद्यालय परिसर में आए। यहां आकर पूछताछ करने पर लड़की की इज्जत का बोलकर पुलिस न बुलाने की भीख मांगी। सर ने मानवता का परिचय देकर छोड़ा, परंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने झूठा बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराया। छात्र प्रतिनिधि मुकेश डूरी ने बताया कि इसी युवती के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें ये बालिका बताई गई है। इसी लड़के बालाराम ने उस दौरान इस लड़की की जमानत दी थी। युवक बालाराम ने तकरीबन 7-8 लड़कियों की पीटा एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जमानत दे चुका है। छात्र प्रतिनिधि प्रवीण सिंह वीरढ़ी ने महाविद्यालय परिसर के चारों ओर 4 दीवारी करने की तथा पुलिस गश्त की मांग की। डूंगर बाना ने छात्र शक्ति की ओर से 5 दिन की चेतावनी दी, अगर 5 दिन के अंदर मामले पर FIR नहीं की तो छात्र शक्ति द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कॉलेज के सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।